कहा कि प्रभु कुछ भी नहीं, कि चाकर रासू बाग लगासू नित उठ दर्शन पासू, और क्या चाहिए? ओ चाकर रासू बाग लगासू नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलिन में हरि की लीला गासू, श्याम मने चाकर राखो जी। हे प्रभु और कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपकी सेवा करनी है, आपके बगीचों को आपके बागों को वृंदावन में रहकर बस संवारना है, आपका रोज दर्शन करना है और मुझे। लेकिन भगवान बोले कि नहीं मीरा भाई, हम तो कुछ और भी देना चाहते हैं आपको। तो कहा कि प्रभु और भी कुछ देना है तो फिर इतनी कृपा और कर देना कि चाकरी में सुमिरन पाऊं दर्शन पाऊं खर्ची, चाकरी में सुमिरन पाऊं दर्शन पाऊं खर्ची, और भाव भगति जागीरी पाऊं तीनों बाता सरसी, श्याम मने चाकर राखो जी, ओ श्याम मने चाकर राखो जी। कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपकी सेवा, आपका सुमिरन, आपकी भक्ति, आपका भजन, बस यही चाहते हैं। न गरज किसी से न वास्ता, मुझे काम अपने ही काम से, न गरज किसी से न वास्ता, मुझे काम अपने ही काम से, तेरी याद से, तेरे जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरे नाम से, बस और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। आपका जिक्र चाहते हैं, आपकी फिक्र चाहते हैं, आपकी याद चाहते हैं, आपका नाम चाहते हैं। अशुल्क दासी हैं गोपियां, भगवान को कहती हैं कि प्रभु आप सोच रहे होंगे कि इतनी देर से हम गोपियां तड़प रही हैं तो फिर प्राण क्यों नहीं निकल रहे हमारे, अरे इतना ही वियोग हो रहा है तो फिर हमको मर जाना चाहिए, क्योंकि वियोग में तो प्राण चले जाते हैं, तो फिर हमारे प्राण क्यों नहीं निकल रहे। तो गोपियां कहती हैं कि प्रभु इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। हे प्रभु एक कारण है जिस कारण से हमारे प्राण अभी तक बचे हुए हैं, वो कारण है आपकी कथा, आपका नाम, क्योंकि आप तो हमको जीने नहीं देते हो और आपकी कथा हमको मरने नहीं देती है प्रभु। क्यों? क्योंकि तब कथामृतम, भगवान आपकी कथा तो अमृत की तरह है। एक बार व्यक्ति आपकी कथा में आकर बैठ जाए तो उसके जीवन में चाहे कितना भी अशांति क्यों ना हो, चाहे कितना भी उसका जीवन क्यों ना तप रहा हो, आपकी कथा में जो आकर बैठता है तो उसको परम शीतलता, परम आनंद, परम शांति मिलती है। तप्त जीवनम, आपकी कथा तपे हुए जीवन को शांति प्रदान करती है। प्रभु जब से आप हमको छोड़कर गए हो, हम भी आपकी कथा का चिंतन कर रही हैं, आपके नाम का चिंतन कर रही हैं। प्रभु इसी कारण से हमारे प्राण बचे हुए हैं। गोपियां तो यहां तक कहती हैं कि इस संसार में बड़े बड़े दानी हमने देखे, बहुत बड़े बड़े दानी हैं। कोई अन्न का दान करता है, कोई वस्त्र का, कोई भूमि का, कोई गऊ का दान करता है, बड़े बड़े दानी हैं। लेकिन गोपियां कहती हैं कि हमारी नजर में वो बड़े दानी नहीं हैं, हमारी नजर में तो संसार का सबसे बड़ा दानी वही है प्रभु, जो आपकी कथा का, आपके नाम का दान करता है। भूरिदा जनह, उससे बड़ा कोई दानी नहीं हो सकता। गोपियां कहती हैं कि हम भी उन दानियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हैं प्रभु, जो आपके नाम का, आपकी कथा का दान करते हैं। भूरिदा जनह, धन्य है वो जन जो आपका नाम सुनाते हैं।
ऐसे ऐसे अद्भुत भाव इस गोपी गीत में गोपियों ने लिखे हैं बंधुओं, और गोपियां 19 श्लोकों को गा रही हैं कि इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रणपन्त्यस्य चित्रधाः रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविरभुच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रगवी साक्षान मनमथ मनमथ। जब गोपियों ने इस प्रकार से इस गोपी गीत का पाठ किया बंधुओं, तो गोपियों की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान से नहीं रहा गया, और जिनकी आभा करोड़ों काम देवों को लज्जित कर रही है, ऐसे सुंदर अद्भुत रूप को धारण करके सुंदर पीतांबर को फहराते हुए वंशी को बजाते हुए उन गोपियों के बीच में साक्षात बांके बिहारी प्रकट हो गए हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपी गीत को सुनकर भगवान आए हैं, आना पड़ा प्रभु को, ऐसा अद्भुत गीत गोपियों ने गाया। गोपियों के मध्य भगवान प्रकट हो गए थे, गोपियां तो बड़ी प्रसन्न हैं। गोपियों ने कहा कि प्रभु आप हमें छोड़कर क्यों गए थे, तो भगवान ने एक ही बात कही कि गोपियों यदि मैं तुमको छोड़कर नहीं जाता तो तुम्हारे हृदय से तुम्हारे अंदर से गोपी गीत कैसे प्रकट होता, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि भक्त के हृदय का भाव केवल भक्त के हृदय तक न रहे, सारी दुनिया भी देखे कि भक्त मेरे से कितना प्यार करता है। तो गोपियों के अंदर से गोपी गीत को प्रकट कराने के लिए प्रभु अंतर ध्यान हुए थे, लेकिन अब भगवान आए हैं, बड़े प्रसन्न हैं प्रभु। तो पहले तो हुआ था रास, और अब गोपियों के साथ भगवान ने महारास किया है। कि रासोत्सवम संप्रवृत्तः गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः। बड़ा अद्भुत ये महारास की लीला हुई है बंधुओं, जिस महारास में अनंत गोपियां हैं और भगवान ने भी अनंत रूप धारण कर लिया। एक एक गोपी के बीच में दो दो कृष्ण प्रकट हो गए हैं, अनंत रूप धारण कर लिए भगवान ने, क्योंकि भगवान जानते थे कि एक रूप से गोपियों के बीच में रहूंगा तो महारास में आनंद नहीं आएगा। तो हर गोपी को ऐसा लग रहा था मानो हमारे साथ प्रभु रास कर रहे हैं, अनंत रूप धारण कर लिए। इस महारास की गूंज तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। जब भगवान शिव ने सुना कि आज तो कृष्ण महारास कर रहे हैं, जब हमने कृष्ण की सारी लीला देखी है तो फिर भगवान का महारास भी देखना चाहिए, तो भोलेनाथ भगवान शिव महारास को देखने के लिए आए थे। अंदर प्रवेश करने लगे रास मंडल में, तो दरवाजे पर दो सखियां खड़ी थी भगवान की, ललिता और विशाखा, दो प्रधान सखी हैं। ललिता जी ने भगवान शिव को कहा कि महाराज कहाँ जा रहे हो आप? बोले अंदर कृष्ण महारास कर रहे हैं, हमको दर्शन करना। बोले महाराज आप महाराष्ट्र में जाओगे? ये इतनी लंबी चौड़ी दाढ़ी, ये लंबी लंबी जटाएं, ये गले में सांप लटके हुए हैं, आप यदि महाराष्ट्र में अंदर पहुंच गए तो गोपियां सब बाहर निकल आएंगी। प्रेम से कहो श्री राधे, ये सांप बिच्छू लटक रहे हैं शरीर से, कहाँ जाओगे अंदर? बोले देखो ललिता जी, हमको तो महाराष्ट्र देखना है, कुछ भी करो। बोले केवल एक उपाय है, यदि महाराष्ट्र देखना है तो फिर गोपी बनना पड़ेगा, तब तो अंदर एंट्री मिलेगी आपको। भगवान शिव बोले कोई बात नहीं ललिता जी, चाहे आप हमको गोपी बना दो, लेकिन एक बार कृष्ण का महारास दिखा दो, क्योंकि भगवान शिव तो नृत्य के बड़े शौकीन हैं, हाँ संगीत के बड़े शौकीन हैं, शिव साक्षात नटराज हैं। तो आज ललिता जी ने भगवान शिव का बड़ा अद्भुत गोपी का श्रृंगार किया, सुंदर भगवान शिव को चोली पहनाई, लहंगा पहनाया, ओढ़नी ओढ़ाई है, बिंदी भी लगाई है शिव को, आभूषण भी पहनाए हैं, और ऊपर से ओढ़नी ओढ़ाकर घूंघट भी निकाल दिया भगवान शिव का, घूंघट निकाल के दाढ़ी मूछ थी ना लंबी लंबी, सब छुपा दी, अब कुछ नहीं दिख रहा। कान में युगल मंत्र का उपदेश किया और शिव को महारास में प्रवेश दिलाया, भगवान शिव अंदर गए। अब देखो लंबी चौड़ी हट्टी कट्टी गोपी महाराज में पहुंच गए, सब हैरान होने लगे ये कौन आ गई।
जब कृष्ण ने देखा, भगवान कृष्ण तो योगी हैं, सब जानते हैं कौन आया है। अच्छा, भोलेनाथ आए हैं, घूंघट करके खड़े हैं, चलो थोड़ा मजाक करते हैं। भगवान शिव ने कहा कि देखो गोपियों, इतनी देर से सब मेरे साथ रास कर रही हो, लेकिन अभी तक मैंने किसी का चेहरा तो देखा नहीं, अपना चेहरा तो दिखाओ कैसी हो। गोपियां बोली कि आपसे क्या छुपाना, देख लो हमारा चेहरा। भगवान शिव बोले कि रास करते करते कन्हैया को क्या सूझा, अरे जैसे तैसे तो मैं चेहरा छुपा के आया हूं, घूंघट करके आया हूं, यहां यदि घूंघट ऊपर हुआ तो सारा भेद खुल जाएगा। गोपियां मजाक उड़ाएंगी कि ये भगवान शिव घूंघट करके गोपी बन के आ गए। अब घबरा गए शिव। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो गोपियां, एक काम करो, सबका चेहरा देखूंगा तो एक लाइन में खड़ी हो जाओ, बारी बारी से अपना चेहरा मुझे दिखाओ। शिव बोले कि ये तो काम बन गया, क्योंकि लाइन बड़ी लंबी है, मैं ऐसा करता हूं लाइन में सबसे एंड में खड़ा हो जाऊंगा, और हजारों गोपियां हैं, कृष्ण चेहरा देखते देखते थक जाएंगे, मेरा नंबर भी नहीं आएगा। सबसे एंड में भगवान शिव खड़े हो गए, जो कृष्ण की नजर पड़ी कि एंड में खड़े हैं, अंत में खड़े हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो गोपियों, पहले नंबर यहां से शुरू नहीं करूंगा, पहले नंबर वहीं से शुरू करूंगा। भगवान शिव ने कहा कि ये तो पहले मेरा ही नंबर आया, भागो यहां से। अब उधर से भागकर फिर इस ओर लगने लगे लाइन में कि मैं फिर उधर लग जाता हूं। भगवान कृष्ण भी समझ गए, प्रभु बोले कहां जाओगे भागकर। भगवान दौड़े और दौड़कर शिव को पकड़ ही लिया, और पकड़कर भगवान ने जबरदस्ती घूंघट ऊपर कर दिया, और भगवान कृष्ण के मुख से निकला कि आओ गोपीश्वर आपकी जय हो, जय हो, जय हो। बोलो गोपीश्वर महादेव की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भी वृंदावन में यमुना के किनारे बंसी बट पर गोपीश्वर महादेव आज भी बैठे हैं, कभी वृंदावन जाओ तो दर्शन करना। रोज शाम को भगवान शिव का गोपी श्रृंगार होता है, बड़ा सुंदर देखने लायक, रोज शिव को गोपी बनाया जाता है। तो अब उस महारास में भगवान शिव ने किया है सुंदर तांडव, और कृष्ण ने किया है कथक, ऐसा अद्भुत महारास हुआ था। आइए हम लोग भी थोड़ा उस महारास की झांकी का यहाँ दर्शन करें कि किस प्रकार से प्रभु का ये महारास हो रहा है। हमारे बीच में अभी बड़ी सुंदर महाराज की झांकी भी आएगी, और हम लोग महाराज का दर्शन भी करेंगे, गाएंगे भी, लेकिन फिर आगे हम लोग बहुत जल्दी रुक्मणी मंगल की ओर भी बढ़ेंगे। आज भगवान कृष्ण का रुक्मणी जी के साथ विवाह भी होगा, उस झांकी का भी हमको दर्शन होगा। आइए, कितना सुंदर भाव है, मानो महाराज में गोपियां यही गा रही हैं, हम लोग यही भाव रखें भगवान के चरणों में। बड़े प्रेम से सभी गाइए, आपके राजस्थान का ही बड़ा सुंदर ये भजन है, बड़ा सुंदर ये भाव है, मेरे साथ सभी मिलकर गाइए। कि बांसी जोर की बजाई रे नंदलाला, ओ बांसी जोर की बजाई रे नंदलाला, ओ बांसी जोर की बजाई रे नंदलाला, बांसी जोर की बजाई रे नंदलाला, हो नंदलाला मारो गोपाला, बंशी जोर की बजाई रे नंदलाला, ओ बंशी जोर की बजाई रे नंदलाला, ओ मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला, मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला। ऐसे नहीं, दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए प्रेम से। रास बिहारी लाल की, बाकी बिहारी लाल की, ओ बंशी जोर
की आवाज मैंने महला में सुनी, वंशी की आवाज मैंने महला में सुनी, ओ वंशी की आवाज मैंने महला में सुनी, वंशी की आवाज मैंने महला में सुनी, ओ वंशी की आवाज मैंने महला में सुनी, की आवाज मैंने महला में सुनी, वंशी की आवाज मैंने। तो क्या हुआ, ओ छोरो ओ छोरो ओ छोरो रो तो छोड़ आई रे नंदलाला, ओ छोरो रो तो छोड़ आई रे गाइए, ओ वंशी जोर की बजाई रे श्री राधे। ओ वंशी जोर की बजाई रे नंदलाला, वंशी जोर, ओ वंशी की आवाज मैंने खिड़का में सुनी, वंशी की आवाज मैंने खिड़का में सुनी, ओ वंशी की आवाज खिड़का में सुनी, वंशी की आवाज मैंने खिड़का में सुनी, ओ वंशी की आवाज मैंने खिड़का में सुनी, वंशी की आवाज मैंने खिड़का में सुनी, ओ वंशी की आवाज मैंने खिड़का में सुनी, वंशी की आवाज मैंने खिड़का में सुनी, ओ वंशी की आवाज मैंने खिड़काओं में सुनी, वंशी की आवाज मैंने। तो क्या हुआ, ओ बछड़ो ओ बछड़ो ओ बछड़ो चौकती छोड़ाई रे नंदलाला, ओ बछड़ो चौकती छोड़ाई रे नंदलाला, ओ बछड़ो चौकती छोड़ाई रे नंदलाला, फुलवा तोड़ती छोड़ाई रे नंदलाला, ओ फुलवा तोड़ती छोड़ाई रे नंदलाला, ओ वंशी जोर की बजाई रे नंदलाला, जोर की बजाई रे नंदलाला, श्री राधे।
रास बिहारी लाल की, बाकी बिहारी लाल की। ओ वंशी जोर की बजाई रे की आवाज मैंने चौका में सुनी, बंसी की आवाज मैंने चौका में सुनी, ओ बंसी की आवाज मैंने चौका में सुनी, बंसी की रोटी ओ रोटी ओ रोटी बेल की चौड़ाई रे नंदलाला, ओ रोटी बेल की चौड़ाई रे नंदलाला, ओ वंशी जोर की बजाई रे नंदलाला, गाइए प्रेम से, ओ वंशी जोर की बजाई रे नंदलाला, घट पे सुनी वंशी की आवाज, ओ वंशी की आवाज मैंने पनघट पे सुनी, ओ वंशी की आवाज मैंने पनघट पे सुनी, पनघट पे सुनी, ओ वंशी की आवाज मैंने पनघट पे सुनी, तो क्या हुआ जब पनघट पे सुनी तो क्या हुआ, ओ घड़ लो ओ घड़ लो ओ घड़ लो फोड़ दी छोड़ाई रे, ओ घड़ लो फोड़ दी छोड़ाई रे, घड़लो बोर्ड की छोड़ाई रे नंदलाला, ओ वंशी जोर की बजाई रे नंदलाला, गाइए प्रेम से, ओ नंदलाला मारो गोपाला, वंशी जोर की बजाई रे नंदलाला, गाइए प्रेम से, ओ मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला, ओ मैं तो दौड़ी चली आई रे नंदलाला, ओ वंशी जोर की बजाई रे नंदलाला, से नहीं अंत में दोनों हाथ उठाकर प्रेम से चाली की सेवा करते हुए हरि बोल। एक बार कहिए श्री राम है